Good morning, class. Good morning, sir. Very good morning. So today I'll be taking lecture on environmental engineering, right? So till now in environmental engineering we have seen how to find the water supply demand. ठीक है, उसको कैसे निकालना है डिमांड को. उसको निकालने के लिए, डिमांड को निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन. वी नीड टू डू द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड फॉर दैट वी हैव सीन द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स, राइट. तो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द इनटेक स्ट्रक्चर्स. इनटेक स्ट्रक्चर्स क्या थे, हम लोगों को सोर्स पता चल गया वाटर का क्या सोर्स है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारी डिमांड कितनी है वाटर की, कितना हमें सप्लाई करना है वाटर एक्चुअली, है ना. और पॉपुलेशन फोरकास्ट करना हमने देख लिया, सारी टेक्निक्स हमने देखी थी. नेक्स्ट थिंग इज टू सप्लाई द वाटर. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, सोर्स पे इनटेक स्ट्रक्चर लगाए थे सो दैट वी कैन टेक वाटर फ्रॉम देयर एंड देन वी कैन ट्रांसपोर्ट इट टू आइदर ट्रीटमेंट प्लांट और टू द प्लेस वेयर एवर वी वॉन्ट टू डिलीवर इट. सो वहां पर तक हम उसको डिलीवर करा सकते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द वाटर क्वालिटी, राइट. आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है इतना, बट मैं आपको ये लेक्चर बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज अगर वाटर पैरामीटर्स आप लोगों को नहीं बताऊंगे तो देन हाउ आर यू गोइंग टू जज कि ये फिट है कि नहीं है पानी, और ये इसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरीके का पानी होता है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वाटर की. So today's lecture will be on the quality of the water. ठीक है, तो इसमें कुछ basic terms होंगे. You might be familiar with these terms. तो बहुत मतलब ऐसे बहुत detail में हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे terms हैं जैसे pH, turbidity and alkalinity, acidity. You know all these terms, right? Basic chemistry के terms हैं. But water में इसका क्या relation है, हम लोगों के उसमें ये पढ़ना जरूरी है. ठीक है, इसके बाद ही हम लोग treatment process शुरू कर पाएंगे. So today's lecture will be on water quality. So I'll directly take you to the slides. Just sharing my screen to you all. Okay, can you see this water quality parameters? Yes, sir. Okay, thank you. So what are the water quality parameters? First of all, to find the water quality, uske parameters jaan lena zaruri hai. Kya kya parameters hote hain, log ye dekhte hain. Fir one by one we'll discuss them, right? So I'll just go through this. Please bear with my handwriting. Mere handwritten notes hain, writing bahut achhi nahi hai. But I'll just explain whatever I have written, so don't worry. So water sources and the distribution in earth surface. So first of all, I'm going to tell you about the water distribution. ठीक है, ये बहुत general चीज़ हैं, आप लोगों को ऐसे पता भी होंगी. But I'll go through it very fast. ठीक है, oceans में कितना percent water है, 97.3. तो maximum water जो है हम लोगों को कहाँ पर है, earth में, ocean में है. ठीक है, फिर 2.14 that is in ice and glaciers. ठीक है, जो हम लोगों को उत्तराखंड में basically हम लोग रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ये ग्लेशियर रिवर्स है ना, मोस्टली ग्लेशियर से ही आपकी रिवर्स आती है यहाँ पे. तो ग्लेशियर कितना है, 2.14% कंप्राइज करता है ऑफ द टोटल वाटर, राइट. एंड ग्राउंड वाटर इज 0.61%. फ्रेश वाटर इन लेक्स इज 0.09%. सी कितना कम पानी लेक्स में हम लोग के पास अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर है एक्चुअली. ठीक है, सलाइन वाटर इन लेक्स इज 0.008%, उससे भी कम सलाइन वाटर है. और फ्रेश वाटर इन रिवर्स इज 0.001%. ठीक है, फ्रेश वाटर जो रिवर्स में है वो तो और भी कम है, देखिए कितना कम. तो मैक्सिमम क्या है, ओशन में सबसे ज्यादा पानी है हम लोगों के पास. ठीक है, विच वी डोंट कंसिडर फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, बट उसको हम पोर्टेबल बना सकते हैं, ड्रिंकेबल बना सकते हैं. दैट इज अदर थिंग, वो हम लोग टेक्निक्स जो आगे पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन की, ट्रीटमेंट की, तब डिस्कस करेंगे उन चीजों को. बट फिलहाल के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि हम लोगों के पास जो वाटर अवेलेबल है वो कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, राइट. नाउ जंपिंग ऑन टू वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, दिस इज अ फ्लो चार्ट बेसिकली आई हैव शोन हियर. आप देख लीजिए इसमें क्या क्या हम लोगों ने वाटर क्वालिटी में डिस्कस करना आगे जाकर. सो वाटर वी हैव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स. ठीक है,
ये तीनों पैरामीटर्स को हम लोगों ने चेक करना है वाटर में। तो फिजिकल पैरामीटर्स में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड अडर, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब यू कैन सी देम, यू कैन फील देम, टच देम। ठीक है, ये वैसी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज जो वाटर में केमिकली केमिकल की तरह प्रेजेंट होती है, जो वाटर में अवेलेबल होती है। ठीक है, वो क्या क्या हो सकती है, जो मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। सो डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड्स जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वाटर में, पीएच, वेरी वेल यू नो दिस टर्म पीएच, अल्किनिटी, हार्डनेस, बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, बीओडी, सीओडी, मेटल्स, वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स। ठीक है, लेड वगैरह भी कभी कभी पानी में मिल जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं मेटल्स, तो ये बहुत डिटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। मरकरी भी मिल सकता है कभी पानी में, मरकरी इज वेरी डेंजरस, अगर आप लोग अगर वो कंज्यूम कर लिया तो सीधे डेथ भी हो सकती है, मतलब इतने खतरनाक मेटल्स भी हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई कभी भी वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए, पैरामीटर्स चेक करने के लिए हम लोगों को वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोगों को पैरामीटर्स पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज द बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ऑफकोर्स पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक इज हार्मफुल बैक्टीरियाज, नॉन पैथोजेनिक इज नॉट सो हार्मफुल। ठीक है, तो दीज ये कुछ इस टाइप के पैथोजेनिक होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और नॉन पैथोजेनिक उतना हार्मफुल नहीं होते, बट वाटर में अवेलेबल रहते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, राइट। और उसी तरीके से पैथोजेनिक में क्या आएगा, आपको बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआ, हर्मेंथिस, ये सारी की सारी चीजें आपकी फिर बायोलॉजिकल चीजें जो वाटर की वाटर में प्रेजेंट है, और विच कैन अफेक्ट द वाटर क्वालिटी। ठीक है, इनसे क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है वाटर की। तो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वाटर क्वालिटी। तो इससे हम लोगों को काफी आइडिया आ जाएगा कि वाटर क्वालिटी में क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी पड़ती है वाटर सप्लाई करने के लिए। सी इफ यू कम इन दिस डोमेन, और आप लोग कभी एनवायरमेंटल इंजीनियर बनते हो और कुछ मान लो ऐसी सप्लाई वाटर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट में आप रहते हो, जैसे जल संस्थान वगैरह में, सो यू हैव टू गो थ्रू दीज टेस्ट एवरी डे। हर दिन आपको वाटर की क्वालिटी, हर एक बैच की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, लैब में। So this makes it very important, water quality is subject आप लोगों के लिए बहुत important हो जाता है। किसी कभी भी interviews में बैठोगे environmental engineering से related कोई भी question पूछाएगा तो water quality में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे important है। जब quality के बारे में आपको पता होगा तो ही तो आप treatment करोगे, ठीक है। So moving further, first we'll discuss the physical parameters, ठीक है। Suspended solid आप लोगों ने मतलब ये मेरे ख्याल से chemistry वगैरह में first year में ये सारे terms पढ़े हुए हैं, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द टोटल सॉलिड्स मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलाइडल सॉलिड्स एंड डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, तीन तरीके के सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, कोलाइडल हैं और डिजॉल्व हैं। देखिए साइज आप देख सकते हैं 10^-1 टू 10^-3 mm साइज, तो इतने माइक्रोन पे ही। सस्पेंडेड सॉलिड का साइज बड़ा है, देन कोलाइडल सॉलिड्स उससे छोटे हैं, और डिजॉल्व सॉलिड्स तो बिल्कुल ही छोटे हैं, 10^-6 mm, है ना। तो ये तीन सॉलिड्स के नाम आप याद रखिएगा, सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिजॉल्व। इनके क्या यूज होते हैं हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सस्पेंडेड वैसे नाम से पता चला कि सस्पेंडेड है ना, जो वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, जो कि सेटलेबल हो सकते हैं। कोलाइडल जो कोलोइड्स बनाते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, डिस्कस करेंगे वाटर ट्रीटमेंट में। डिजॉल्व जो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व रहते हैं, जैसे वाटर में आप नमक डाल दो आपको दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, बट वो है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। तो सस्पेंडेड प्लस कोलाइडल सॉलिड्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड सॉलिड्स। तो कभी डिस्पर्स्ड सॉलिड्स आ गया तो वो क्या होता है, सस्पेंडेड और कोलाइडल, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो यू विल गेट डिस्पर्स्ड सॉलिड्स, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है। और सस्पेंडेड सॉलिड्स में क्या हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स में कंटेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, लाइक सिल्ट, क्ले एंड ऑयल एंड ग्रीस, वेरियस थिंग्स, है ना, प्लांट फाइबर्स, एल्गी, ये सब कुछ क्या आ सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स में आ सकता है। So why are these undesirable? क्यों नहीं चाहिए हमें suspended solid water में? Because these makes water aesthetically displeasing. तो water को एक तो बहुत गंदा बना देते हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो आप पी नहीं पाओगे उस पानी को। They are biologically active and may cause growth of disease producing microorganisms. तो ये disease producing microorganism की growth को भी बढ़ा सकता है। These may absorb, attract chemical and biological agents. ठीक है, chemical और various biological agents को ये अपनी तरफ attract कर सकता है। तो suspended solids water में नहीं होना चाहिए।
तो इसको कैसे किया जाता है, देखिए मैं बहुत बहुत प्रिसाइज मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जा सकती है वही मैंने इसमें लिखा हुआ है ना। बाकी आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यू कैन गो थ्रू द रेफरेंस बुक। द मेजरमेंट इज डन बाय ग्रेविटिक मेट्रिक टेस्ट, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट होता है, उससे इसका मेजरमेंट किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड का इन्वॉल्विंग मास ऑफ द रेसिडुअल मेजरमेंट। तो कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, टोटल सॉलिड्स लिखा है, देखिए सस्पेंडेड लिखा है, टोटल सॉलिड्स मतलब सारे सॉलिड्स मिला के जो आते हैं कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेपोरेशन एंड इफ ड्राई मास इज बर्न्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको आप इवेपोरेट करोगे मतलब उसको बर्न करोगे 600, पहले आप वाटर को इवेपोरेट करो पूरा का पूरा, और जो ड्राई मास बच गया उसको आप बर्न करो 600 डिग्री सेल्सियस में, तो जो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड ओनली इनऑर्गेनिक मैटर विल बी लेफ्ट। तो ऑर्गेनिक मैटर सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर विल बी लेफ्ट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ऑर्गेनिक मैटर इफ यू हीट एट 600 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर रिलीज होगा और अदर गैसेस रिलीज होंगे, ठीक है। द मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी फाउंड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग द रेसिड्यू एट 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। और सस्पेंडेड सॉलिड आपको निकालना है, इसका मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हो पानी में, सिंपल आपका टेस्ट ये है कि आप इसको फिल्टर यूज करोगे और उसको ड्राई करोगे, उसके जो बचे हुए रेसिड्यू को आप पानी डालोगे फिल्टर के थ्रू, फिल्टर पेपर आता है उसके थ्रू पानी डालोगे, जो उसका रेसिड्यू बचेगा उसको आप ड्राई करोगे कितने टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे, तो वो आपका सस्पेंडेड सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। द परमिसेबल टोटल सॉलिड किसे बोलेंगे, डिजॉल्व प्लस सस्पेंडेड सॉलिड को आप टोटल सॉलिड बोल सकते हैं, शुड बी लेस देन 500 mg/L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल सॉलिड वाटर में कितना होना चाहिए, 500 mg/L से कम होने चाहिए, ठीक है। सो ये जो आपको बता रहा है ये mg/L में है, देखिए इक्वालिटी, ये जो क्वांटिटी है आप इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है, कितना है पर लीटर में 500 mg है, ठीक है। इसी इसी ऐसी ही यूनिट्स आप लोगों की वाटर में यूज होती है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कितना वो कभी कभी आपसे पूछ ले टोटल सॉलिड्स कितना परमिसेबल होता है, कितना आप पी सकते हैं, तो इतना अलाउ कर सकते हैं 500 mg/L, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकते अलाउ, ठीक है। एंड इन नो केस इट शुड बी ग्रेटर देन 2000 mg/L, मतलब किसी भी केस में 2000 mg/L से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि कितना टोटल सॉलिड्स होना चाहिए। एंड द परमिसेबल लिमिट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज 30 mg/L फॉर ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग, सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए, 30 mg/L से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है चीजें ना, परमिसेबल लिमिट कितनी होती है किसी चीज की, कभी भी आपको वाटर सप्लाई करना होगा उसमें सस्पेंडेड सॉलिड आप टेस्ट करोगे तो 30 mg/L से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए उस पीने वाले पानी पे, ठीक है। आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा फर्दर अगर इससे ज्यादा मिले। सो दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड। तो सेकेंड फिजिकल क्वालिटी इज टर्बिडिटी। अब ये शायद टर्म शायद आप लोगों ने ना सुना हो सकता है, केमिस्ट्री वगैरह में आगे पढ़ा हो, है ना। टर्बिडिटी क्या चीज होती है, ठीक है, आपने कभी पानी रिवर वगैरह से उठाया होगा, लेक से उठाया होगा, तो देखो वो पानी थोड़ा मटमैला टाइप का होता है ना, ब्राउनिश कलर का होता है या मडी टाइप होता है ना, तो वो बहुत क्लियर वाटर नहीं होता, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी बेसिकली। लेकिन अब इसको टर्बिडिटी को मेजर कैसे करें, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज को मतलब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप एक चीज को एज्यूम थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपने टर्बिडिटी को कैसे समझ सकते हैं, आपने एक जार में पानी लिया, ठीक है, वो थोड़ा मटमैला पानी है, थोड़ा मतलब मडी टाइप का पानी है, अगर आप उससे टॉर्च से या किसी भी चीज से लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उसकी अदर साइड पर लाइट नहीं पास कर पाएंगे, है ना, या नहीं विजिबल होगी आपको लाइट, और अगर आप क्लीन वाटर में देखेंगे तो शायद आपको लाइट पास होते हुए दिख जाए, है ना। तो यही टेस्ट है टर्बिडिटी का, कुछ कुछ यही कंसेप्ट है इसके पीछे कि कितना वाटर मतलब कितने पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मूव करने से, ठीक है, मतलब पास होने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितनी ज्यादा टर्बिडिटी है। तो ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे मेजर हम लोग कर सकते हैं कि कितनी टर्बिडिटी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच लाइट इज आइदर अब्सॉर्ब और स्कैटर्ड बाई सस्पेंडेड मैटर इन वॉटर। तो जितने भी सस्पेंडेड मैटर है या तो उससे लाइट क्या होगी अब्सॉर्ब हो जाएगी उससे, या फिर उससे टकरा के स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, इन द वॉटर। इफ इट इज नॉट डायरेक्ट मेजर ऑफ सॉरी इट इज नॉट डायरेक्ट मेजर ऑफ क्वान्टिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड का डायरेक्ट मेजर तो नहीं है, मोस्टली टर्बिडिटी इज ड्यू टू कोलाइडल मेटेरियल, ठीक है, लाइक क्ले, सिल्ट, रॉक फ्रेगमेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स, वेजिटेशन, फाइबर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की वजह से होती है टर्बिडिटी। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए टर्बिडिटी किस वजह से होती है, तो बेसिकली मेनली ड्यू टू कोलाइडल मेटीरियल्स, ठीक है, कोलाइडल जैसे
जैसे मैंने आपको बताया था सस्पेंडेड कोलोइडल और डिसॉल्व, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, कोलोइडल मटेरियल की वजह से होती है टर्बिडिटी, जैसे कि क्ले हो गई, सेंट हो गई, ये सब कुछ आपका, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी देयर इज इंफ्रेंस इन लाइट विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस प्लस डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बिड वाटर। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी देर इज इंफ्रेंस इन लाइट, तो इंटरफेरेंस होगा किसमें, लाइट में। मैंने जैसे आपको बताया कि लाइट पास नहीं हो पाएगी, अभी मैं एक टेस्ट भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्ट हो जाती है, और डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बिड वाटर इज डिफिकल्ट, इसको डिसइंफेक्ट करना भी डिफिकल्ट है बिकॉज सस्पेंडेड सॉलिड में पार्शली सील द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये सारे इसके नेगेटिव चीजें भी हैं, टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो टर्बिडिटी को कैसे कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजर्ड फोटोकेमिकली बाय डिटरमाइनिंग द परसेंट ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन इंटेंसिटी दैट इज आइदर अब्सॉर्ब्ड और स्कैटर्ड, उतनी परसेंट लाइट जितना की अब्सॉर्ब हुई है या फिर स्कैटर हुई है, ठीक है। उसको अगर आप नाप लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपको वाटर कितना टर्बिड है। अगर क्लियर वाटर होगा तो सारी सारी लाइट पास हो जाएगी, अगर क्लियर वाटर नहीं होगा, टर्बिड वाटर होगा, तो कुछ परसेंट ऑफ लाइट उसमें ब्लॉक हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, पूरी पास नहीं करेगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, उससे आप निकालोगे टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी से रिलेशन आपका है कोलोइडल सॉलिड्स का। तो कोलोइडल मटेरियल जितने हैं वो आप पता लगा सकते हैं कि वाटर में कोलोइड्स कितने हैं, कोलोइडल मटेरियल्स कितने हैं या कोलोइडल सॉलिड्स कितने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेजरिंग डिवाइस अवेलेबल है, टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलिस टर्बिडिटी मीटर एंड मॉडर्न नेफ्लोमीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ज्यादातर देखोगे ये जैक्सन टर्बिडिटी मीटर वगैरह हमारे पास भी अवेलेबल है, नेफ्लोमीटर भी अवेलेबल है हम लोगों के पास, ठीक है, लैब में भी अवेलेबल है। तो इससे आप लोग टर्बिडिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये जो ऊपर के दो हैं, टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ये किसमें अब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और जो बेलीज और मॉडर्न नेफ्लोमीटर है ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब जिस वाले में हम लोग कितना परसेंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब हुई है वो देखते हैं, वो है ये दो मीटर्स के थ्रू, ये जो मेजरिंग डिवाइसेस है, और कितना स्कैटर हो रही है वो नापते हैं ये दो वाले, ठीक है। तो बेसिकली काम दोनों का सेम है, प्रिंसिपल सेम है दोनों का, बस एक प्रिंसिपल अब्सॉर्प्शन में काम कर रहा है और एक स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फाइंड तो ये कर रहे हैं कि इतना परसेंट ऑफ लाइट ब्लॉक हुई है, तो उससे टर्बिडिटी निकल आएगी, सेमी टर्बिडिटी निकल आएगी, सेमी टर्बिडिटी निकल आएगी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो टर्बिडिटी रॉड, देखिए टर्बिडिटी रॉड में क्या होता है, मैं इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्बिडिटी रॉड विद प्लैटिनम नीडल इज इंसर्टेड इनसाइड द वाटर, ठीक है। एक रॉड होती है प्लैटिनम नीडल, उसको आप वाटर में इंसर्ट करते हो, एंड द डेप्थ एट विच प्लैटिनम नीडल जस्ट बिकम इनविजिबल गिव्स द टर्बिडिटी इन mg पर लीटर और पार्ट पर मिलियन। तो आप उस प्लैटिनम नीडल को वाटर में डालोगे और जितने डेप्थ पे वो आपको नीडल दिखना बंद हो जाए, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, उस हिसाब से आप पहले से हम लोग इसको टर्बिडिटी निकाला करते थे mg पर लीटर में। mg पर लीटर इज नथिंग बट पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, सेम ही इक्वली होता है, पार्ट्स पर मिलियन और mg पर लीटर इज सेम, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर ppm लिखा होगा, कहीं पर mg पर लीटर लिखा होगा, दिस इज सेम इक्वलेंट, मतलब 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 parts per million, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड JTU, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ठीक है, ये यूनिट होती है किसकी, टर्बिडिटी की। कभी भी टर्बिडिटी आपको मिलेगी तो JTU में मिलेगी या NTU में मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है वो JTU से होता है, तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर विच इज बेस्ड ऑन अब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल, मैंने बताया आपको, ये अब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी रॉड अब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो 1 JTU जो होता है वो क्या होता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाई 1 mg ऑफ फाइन सिलिका डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ डिस्टिल वाटर। तो अगर आप 1 mg ऑफ SiO2 फाइन सिलिका लेते हैं और उसको डिजॉल्व करते हैं 1 liter ऑफ वाटर में, तो वो कहलाती है 1 JTU, 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, फाइन। तो ये जो mg पर लीटर वाला है ये आता है टर्बिडिटी रॉड से आपका, और ये JTU जो यूनिट है वो आती है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जैक्सन टर्बिडिटी मीटर कैसे यूज किया जाता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो है इसमें देखिए एक सेटअप इस तरीके का है कि इसमें नीचे से कैंडल लगी हुई है, ठीक है, और ये मतलब बेसिकली कैंडल की लाइट पास हो रही है, और आपको इससे ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कितने तक आपको विजिबल है, तो इस तरीके का रहता है। अब बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड बिलो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। अब तो ये मतलब अब ज्यादा इसको यूज नहीं करते वैसे इस वाले
एक्सेंटेबिलिटी मीटर बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता, नेफ्लोमीटर ज्यादा यूज होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा उसको। सो अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड बिलो द एक्सेंटेबिलिटी मीटर एंड टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर व्हेन बर्निंग कैंडल इज जस्ट इनविजिबल फ्रॉम टॉप। ठीक है, उस लेवल पे जहां पर से कि बर्निंग कैंडल दिखना आपको बंद हो जाए, है ना, हल्के हल्के आप पानी फिल करते रहेंगे और आप जहां पर ये आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कैंडल दिखना बंद हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, वहां उस पॉइंट को आप सो नाप लेंगे, यहाँ पर मेजरिंग होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोग लार्जर द विजिबिलिटी लार्जर इज द लेसर इज द टेबिलिटी। जितने देर तक जितने ज्यादा आप देख पाएंगे, जितने लेवल ज्यादा तक आप देख पाएंगे उसको, तो उतनी कम टेबिलिटी होगी। अगर थोड़े से पानी में वो दिखनी बंद हो गई कैंडल, दैट मीन्स की उसकी टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और काफी पानी भर लिया आपने फिर भी कैंडल दिख रही है, मतलब उसकी टेबिलिटी लेस है। तो इस तरीके से पहले मेजर किया जाता था। सो टेबिलिटी ऑफ 25 JTU और मोर इज डिटेक्टेबल बाय दिस डिवाइस। ठीक है, तो ये 25 JTU से ज्यादा को ही ये टेबिलिटी निकाल सकता है, इससे कम टेबिलिटी वाले को आप नहीं जज कर सकते उसमें। ठीक है, सो इसमें देखिए मैंने बताया था इसमें अलग अलग डेप्थ रहती है, इतना सेंटीमीटर, तो इसका कन्वर्जन भी दे रखा है, तो 10.8 सेंटीमीटर के पाथ को अगर वो पास कर लेती तो कम से कम 200 JTU होता है। ठीक है, टेबिलिटी कितनी होती है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट तो 200 के अराउंड होती है। अगर वो 21.5 सेंटीमीटर को पास कर लेता है, मतलब और ऊपर चला जाता है हाइट में, तो वो 100 JTU, मतलब और कम हो जाती है टर्बिडिटी। ठीक है, उतना और ज्यादा क्लियर वाटर। तो बेसिकली अब ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा लैब में हम लोग यूज करते नहीं है, हम लोग जो यूज करते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली उस पर ले जाता हूँ। एक ये भी है बेलीज नेफ्लोमीटर है, ये मैं इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, आप लोग आई थिंक मैं स्किप्ड वन जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर वाला मैंने कहीं स्किप कर दिया, आई थिंक मैं वो फोटो क्लिक नहीं कर पाया या स्किप कर दी मैंने। मॉडर्न नेफ्लोमीटर है ये वाला ना, ये वाला स्किप हो गया बेसिकली। चलिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता था इसमें। ठीक है, चलिए बेलीज का आप देख लीजिए, इसी के बेसिस पे ये कुछ कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक्स। बेलीज में क्या होता था, कलर मैच करके आप निकालते थे कि टर्बिडिटी कितनी होगी। ठीक है, दिस इज ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल। मैंने वो ऊपर वाले दो बताए वो अब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे थे, जो नीचे वाले दो हैं वो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। इन दिस मेथड स्मॉल टर्बिडिटी लेस देन वन यूनिट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। तो उसमें 25 JTU से ऊपर की ही आप फाइंड आउट कर सकते थे, इसमें आप वन यूनिट से भी कम की मेजर कर सकते हो, है ना, तो ज्यादा प्रिसाइज है। हेंस कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिंस इट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल, hence turbidity caused by dark substances which absorb light rather than reflect should be measured by absorption technique। ठीक है, तो ये scattering principle पे काम करता है। तो जो अगर कुछ ऐसे substances हैं जो dark substances हैं जो light को absorb करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को absorption technique use करनी चाहिए, बता रहा है। ठीक है, हालांकि ये scattering principle पे काम करता है। In this method standard unit is FTU। ठीक है, formazine turbidity unit। तो इस वाले में जो होता है formazine turbidity unit FTU में आती है इसकी unit, एंड NTU नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट। तो ये बहुत JTU और NTU बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। JTU आपने यहाँ देखा जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, जो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर पे करते थे हम लोग, तो इससे JTU आती है। और जो हम लोग NTU होता है नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर में आता है। ठीक है, तो NTU इज नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, तो 1 FTU कितना होता है, 1 FTU इज प्रोड्यूस बाई 1 mg ऑफ फॉर्मेजिन पॉलीमर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ डिजॉल्व वाटर। तो ये 1 FTU की यूनिट है। तो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो NTU में करते हैं ज्यादातर, है ना, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट जो हम नेफ्लोमीटर यूज करते हैं। अब मैं शायद ये वो स्लाइड मेरी स्किप हो गई है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर में क्या होता है, एक आपका बॉक्स टाइप का रहता है मेजरिंग टर्बिडिटी मेजरिंग। मैं आपको लैब में भी अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आपको वीडियो वगैरह सेंड करूंगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, आप लोग एक ग्लास की रॉड डालते हो जिसमें वाटर होता है। ठीक है, वाटर को आप डालते हो उसके अंदर से, उसके प्रिंसिपल ये होता है कि स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें लाइट पास होती है उसके थ्रू, उस बॉक्स के अंदर लाइट पास होती है। ठीक है, तो वो लाइट कितना वो पार्टिकल्स की वजह से कितना स्कैटर हो गई है वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। तो उसके वजह से जितना जितना रिस्ट्रिक्शन आएगा, जितना आपकी लाइट पास नहीं हो पाएगी, उस वजह से आपको एक यूनिट देता है, वो होती है NTU में, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। तो उससे आप पता लगाते हो कि कितनी ज्यादा टर्बिडिटी वाटर में, और टर्बिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे, कोलोइडल सॉलिड से, जैसे मैंने पहले बताया।
अब ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इज 5 to 10 JTU, बट इट शुड बी लेस देन 1 JTU. मतलब जो यूनिट दी गई है वो 5 से 10 JTU तक का एक्सेप्टेबल है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि लेस देन 1 JTU या 1 NTU से भी नीचे रहे. ठीक है, तो ये इसका ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट है टर्बिडिटी की. तो मतलब आप तो खुद ही नहीं पी पाओगे यार, अगर आपका वाटर टर्बिड होगा तो आप देख के नहीं पी पाओगे ना उसको. आपको कैसा चाहिए, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको अच्छा लगता है पीने में, है ना, एस्थेटिकली अच्छा दिखता है उसको आप पीते हो, तो अगर वो थोड़ा भी टर्बिड होगा तो आप नहीं पी पाओगे उसको. तो इट शुड बी एज लेस देन 1 JTU, इससे भी कम होना चाहिए. थर्ड फिजिकल पैरामीटर आता है आपका कलर. ठीक है, कलर किसकी वजह से हो सकता है, इट इज इट कैन बी ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर और डिजॉल्व मैटर. ठीक है, या तो सस्पेंडेड मैटर की वजह से कलर चेंज हो सकता है वाटर का, या डिजॉल्व मैटर की वजह से हो सकता है. ठीक है, कलर्स को क्या है, कलर कॉज बाय सस्पेंडेड मैटर इज कॉल्ड एपरेंट मैटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. तो ये जो सस्पेंडेड मैटर वाला है वो तो आप फिल्ट्रेशन से हटा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सस्पेंडेड मैटर है वो आप वाटर को अगर फिल्टर करोगे तो सस्पेंडेड मैटर आप रिमूव कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाला, ये इससे रिलेटेड जो कलर है वो तो तभी चले जाएंगे जब आप फिल्ट्रेशन करोगे. और जो कलर कॉज बाय डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रू कलर्स. इसको बोलते हैं अपेरेंट मैटर या अपेरेंट कलर, या और जो डिजॉल्व के जैसे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रू कलर, विच इज ड्यू टू डिजॉल्व मिनरल्स. ठीक है, मेटल्स एंड गैसेस, इन चीजों की वजह से ये ट्रू कलर आता है, जो कि डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से कलर. अब कलर कैसे मेजर करेंगे आप लोग देखिए, बड़ा ये भी ऐसी टेक्निक है इसमें कि आपको वाटर में कितना कलर चाहिए, ठीक है, वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं. इट इज डन बाई कलर मैचिंग टेक्निक्स. तो ये टेक्निक है कलर मैचिंग टेक्निक. ट्रू कलर इज मेजर्ड ऑन बाइगस स्केल बाई नेस्लर ट्यूब्स. ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कलर के लिए आपका कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो आप नेस्लर ट्यूब्स यूज करते हैं. ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कलर इज 1 TCU, ट्रू कलर यूनिट. अब देखिए कलर के आस्ते का शायद आपको यूनिट नहीं बताओ वाटर में कितनी होती है, कितनी होती है 1 TCU. ठीक है, तो मैंने अभी तक जो जो आपको बता दिया सस्पेंडेड सॉलिड की यूनिट क्या है, थोड़ा ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें. ठीक है, सो वॉट इज द यूनिट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज MG per liter. द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज 1 JTU और NTU. ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर यूज करें तो JTU होगी, नेफ्लोमीटर यूज करें तो NTU में होगी. ठीक है, उसी तरीके से अगर कलर का टेस्ट करें तो इट विल बी इन कलर इज TCU, दैट इज कॉल्ड ट्रू कलर यूनिट. ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 TCU. तो 8 TCU कितना होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय 1 mg ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोपैलेथीन आयंस. ठीक है, मिक्सड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर. बहुत ज्यादा उसका नहीं है बट आपको पता होना चाहिए 1 TCU कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो बेसिकली क्या है, 1 mg पर लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में ही है 1 mg ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट, है ना, 1 TCU. इट गिव्स येलोइश और ब्राउन कलर. ठीक है, नोट द कलर टेस्टिंग मस्ट बी डन विद इन 72 आवर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सैंपल को कलेक्ट करने के बाद कलर टेस्टिंग 72 आवर्स के अंदर कर लेनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से कलर चेंज हो सकता है वाटर. ठीक है, द परमिसेबल लिमिट ऑफ कलर फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज 5 ppm. इन नो केस इट शुड बी मोर देन 20 ppm. ठीक है, तो कलर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, 5 ppm तक का होना चाहिए, और किसी भी हालत में 20 ppm से ज्यादा, ppm और mg पर लीटर में भी आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका परमिसेबल लिमिट की बात है वो कलर की. उसी तरीके से टेस्ट एंड ऑर्डर. टेस्ट एंड ऑर्डर क्या है यार, अगर वाटर में स्मेल होगी या उसका टेस्ट खराब होगा तो आप वैसे ही नहीं पी पाओगे, है ना. तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस बाय थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर. इस नंबर से आप लोग निकालते हो कि कितनी उसमें ऑर्डर है पानी में. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द डाइल्यूशन रेशियो एट विच ऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड. तो आप क्या करते हो, बेसिकली बहुत सिंपल सा है, TON निकाल, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप वाटर को, वाटर लेते हो, वाटर को डाइल्यूट करते रहते हो, करते रहते हो उस लेवल तक कि उससे ऑर्डर चले जाए, ऑर्डर मतलब कि जो स्मेल है वो चले जाए. तो इस लेवल तक आप उसको डाइल्यूट करते रहते हो, मतलब वाटर ऐड करते रहते हो सैंपल, तो आपको उस रिलेशन से पता चल जाता है कि उसमें कितना ऑर्डर है. तो बेसिकली इट इज गिवन बाय A+B/A. A+B क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, और A क्या है, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल.
तो ये आपका बेसिकली QoS निकाल देगा। तो एक है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल अनडाइल्यूटेड, देखो जो पहले अनडाइल्यूटेड सैंपल है वो क्लियर वाटर जो है वो ए है, बी है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर रिक्वायर्ड टू टू बी एडेड टू रिमूव द अडर, सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है मतलब कि जो अनडाइल्यूटेड है मतलब कि जिसमें इम्प्योरिटीज तो है उसको डाइल्यूट क्यों किया गया कि बिल्कुल पानी से है ना, और बी वो वॉल्यूम है जो डिस्टिल वाटर आप ऐड करते रहोगे उसमें ताकि उससे वो स्मेल चले जाए, तो वो आपका रिलेशन इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो टी ओ एन मतलब टोटल सॉरी थ्रेशोल्ड अडर नंबर। ठीक है तो दिस इज फॉर टेस्ट एंड अडर। सो द परमिसेबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज 1 TON, ठीक है 1 TON से कम होना चाहिए एंड इन नो केस शुड बी मोर देन 3 TON, ठीक है 3 TON से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1 इसकी परमिसेबल लिमिट है। ये लिखा हुआ है फॉर कोल्ड वाटर TON इज कंप्यूटेड फॉर कोल्ड वाटर बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर में चेंज द टेस्ट इन अडर। ऑफकोर्स आप लोगों ने लिखा हुआ जो बॉइल्ड वाटर है उसका कुछ थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है कि नहीं, तो विद टेम्परेचर ये टेस्ट और अडर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो हमेशा इसको कंप्यूट इसलिए करते हैं कोल्ड वाटर में ही किया जाता है इसका टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि आप अगर बॉइल वाटर में करोगे तो ऑफकोर्स उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है अडर वगैरह चेंज नहीं। And I guess this is the last parameter, physical parameter, that is temperature. But it is very important factor. ठीक है temperature affect chemical and biological activities. ठीक है ये आपको पता है chemical और biological activities जितनी भी water में होगी उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी temperature की। अगर आप temperature को increase कर देते हो 10 degree Celsius से, ठीक है तो biological activities are doubled. देखिए 10 degree Celsius अगर आप बढ़ा देते हो तो biological activity बढ़ जाती है। Desirable temperature for drinking water is 10 degree Celsius and in no case should be more than 25 degree Celsius. ठीक है जो desirable है water का drinking water का वो temperature कितना होना चाहिए 10 degree Celsius तक का permissible है और किसी भी हालत में 25 degree Celsius से ऊपर वो water नहीं होना चाहिए। ठीक है तो जो supply आपको water होता है वो ensure करते हैं कि इसका temperature भी रहे ये इसके बीच में रहे, अगर ज़्यादा temperature होगा तो उसमें biological activities ज़्यादा होने के chances हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ और नुकसान भी हो सकता है। देखो ये भी है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व गैसेस डिक्रीजेस एट 20 डिग्री सेल्सियस द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज नियरली 9.2 एमजी पर लीटर। ठीक है इफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 4 एमजी पर लीटर देन वाटर स्पीशीज मे डाई सच एज फिशेस क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। तो ये क्या बता रहा है टेम्परेचर की सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व गैसेस में बहुत फर्क पड़ता है इसका। ठीक है अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में होनी चाहिए, ठीक है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और कई सारे फैक्टर्स हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए इवन ड्रिंकिंग वाटर में भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो आगे चलते हम पढ़ेंगे कितनी होनी चाहिए। ठीक है तो 20 डिग्री सेल्सियस में डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है इन वाटर इज नियरली 9.2 एम जी पर लीटर, देखिए इतनी होती है डिसॉल्व ऑक्सीजन, और ये बोल रहा है कि कभी भी डिजोल्व ऑक्सीजन शुड नॉट बी लेस देन 4 एमजी पर लीटर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ या डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं 4 एमजी पर लीटर से नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है वरना उससे क्या होगा फिशेज क्रैब्स और लॉबस्टर जितने भी वाटर में वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली वहां पे किया जाता है जैसे कि आपका इंडस्ट्री से कोई वाटर आप लोग डंप कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो रिवर में है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वाटर के डिजोल्व ऑक्सीजन को इतना कम कर दे कि उसमें एक्वेटिक लाइफ या फिश वगैरह अफेक्ट हो जाए या कुछ इस तरीके का, तो आपको बहुत जरूरी हो जाता है ये टेम्परेचर का टेस्ट करना। और टेम्परेचर वेरिएशन में मैंने बता दिया आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है उतना ही डाउन कर सकती है आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन। अब एक टर्म होता है थर्मल शॉक या आप अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एफ्लुएंट होता है मतलब जो वाटर होता है जो वेस्ट वाटर होता है जो बाहर गिराया जाता है फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है इफ डिस्चार्ज इन नेचुरल स्ट्रीम्स देन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन में लेवल फॉल बिलो 4 PPM। मैंने बताया था ना 4 mg/L या 4 PPM से नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो क्या होता है कभी कभी इन इंडस्ट्री से जो वाटर डायरेक्टली आपके रिवर में स्ट्रीम में डाला जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आप बेसिकली इसको इस तरीके से देख सकते हो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है डीओ तो वो डिक्रीज होती है, तो इट शुड नेवर बी बिलो 4 PPM या फिर 4 mg/L के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इसको विच में लीड इन दैट ऑफ वाटर स्पीसीज,
ठीक है, तो सडन क्या होता है, सच अ स्टेज इज कॉल्ड थर्मल शॉक। थर्मल शॉक मतलब कि एकदम से आपने टेम्परेचर वाटर का चेंज कर दिया, तो थर्मली उनको शॉक लगता है और उससे वाटर स्पीशीज की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उस टर्म को बोलते हैं थर्मल शॉक बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इस चीज को। तो बेसिकली क्या है कि हॉट वाटर आपने ऐड कर दिया उसमें और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सफर कर गई, तो उसको बोलते हैं थर्मल शॉक। ठीक है, नाउ देर आर सम केमिकल। ये अभी तक जितनी हमने पढ़ी थी पांच जो ये है हमारी, ये सब कुछ क्या थी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नाउ वी लुक एट द केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, उनमें से ज्यादातर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, वो अपनी केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आई विल गो थ्रू इट वेरी फास्ट। तो डिजॉल्व सॉलिड मैंने ऊपर बताया, सस्पेंडेड सॉलिड कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, फिल्टर के थ्रू निकाल सकते थे, फिल्टर यूज करके, और उसके रेसिड्यू को आप अगर 105 डिग्री सेल्सियस में उड़ा दें तो आपको फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो सस्पेंडेड। ठीक है, जो केमिकल उसमें आता है वो आता है डिजॉल्व सॉलिड, TDS। ये बहुत ज्यादा टर्म आपने सुना होगा, है ना, कि हमारे पानी में इतना TDS है, इतना TDS है। अब ये क्या चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह वाटर में जो है TDS का मेजर बहुत लिया जाता है ना। आप एक्वा गार्ड लगाते हो घर पे, जब आप खरीदने जाते हो तो दुकानदार सब क्या पूछते हो कि भैया इसका TDS कितना है, कितना TDS मतलब इसमें रहता है ना, TDS मतलब कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को कितना रखता है, कितना रिमूव कर पाता है। तो यही पर्पज होता है हमारा TDS का, RO कितना TDS रखता है, एक्वा गार्ड कितना रखता है ना, और तरीके के कई तरीके के फिल्टर्स हैं, उसका TDS कितना निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, तो मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था वो कैसा था, सस्पेंडेड सॉलिड सबसे बड़े होते हैं, फिर कोलोइडल, और सबसे छोटे जो होते हैं वो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। तो डिजॉल्व सॉलिड जितने डिजॉल्व होते हैं आप लोग नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, इनको बहुत छोटे साइज के रहते हैं, बट ये वाटर में अवेलेबल रहते हैं, आपको ये रिमूव करने जरूरी हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा होंगे तो, इट विल मेक फॉर वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, TDS क्या है। डिजॉल्व सब्सटेंसेस में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑफकोर्स ये ऑर्गेनिक नेचर की भी हो सकती है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पता होगा ना आपको, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक जो जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब जो डिग्रेड कर सकता है वो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक मतलब जो डिग्रेड नहीं करेगा, है ना, तो वो है आपका इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक मे बी मिनरल्स मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक गैसेस, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ गई, इनऑर्गेनिक। वेयर इज ऑर्गेनिक मे बी प्लांट फाइबर्स, ऑर्गेनिक गैसेस एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो प्लांट फाइबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिक उसमें आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपके मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये सब उसमें आते हैं। तो इट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं डिजॉल्व सॉल्यूट्स। ठीक है, the total dissolved solids are often determined by measuring electrical conductivity of water using deionic water tester. ye bahut important hai jo dissolved solids hain ye kisko aap kaise find out karte ho by measuring electrical conductivity. ab dekhiye conductivity kya hota hai, aap logon ne ye term suna hoga pehle bhi, conductivity hai na, kai tarah ki conductivity ho sakti hai. electrical conductivity matlab कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रांसफर करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, जो करंट को पास होने देंगे वो कनेक्टिविटी होगी, और ऐसी थर्मल कनेक्टिविटी आता है, थर्मल मतलब जो हीट को ट्रांसफर करेगा वो थर्मल कनेक्टिविटी कहलाएगा, है ना, कनेक्टिविटी मतलब पास करना, है ना। तो ये टेस्ट बेसिकली क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, कि जब वाटर में डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं ना तो उसमें आपका करंट पास होता है। तो आपने सुना होगा ना कि वाटर में करंट पास होता है, अगर आप उसमें लाइव वायर डाल दो और पानी को टच कर दो तो आपको करंट लग जाएगा। करंट क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, उसमें आयन्स हैं, जो कि आपके आयन्स जो है उसमें कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उसको। ठीक है, इन्हीं डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से आपको करंट लग रहा है, क्योंकि वो वाटर से वायर से करंट जो है वो वाटर में आ रहा है, वाटर से आयन्स के थ्रू ट्रांसमिट होकर आपके आपको लग रहा है करंट पानी में, मतलब हाथ लगाऊंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि डिस्टिल वाटर है उसमें कोई आयन्स है ही नहीं, तो आप यकीन माने आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो होगी, होगी नहीं उसमें, कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल वो कंडक्ट नहीं कर रहा, आयन्स उसमें करंट पास ही नहीं कर पा रहा है, तो वो जीरो होगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, मतलब जो जिसमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करंट को पास होने देगा, मतलब उसमें डिजॉल्व सॉलिड ज्यादा है, और जो नहीं होने देगा उसमें डिजॉल्व सॉलिड कम है। तो ये इसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकाल सकते हैं। देखिए, मतलब बड़े इस तरीके के टेस्ट होते हैं TDS वगैरह निकालने के, है ना। आप तो TDS मीटर आने लगे, आप उसको पानी में डिप करो, आपको बता देगा कि आपको वाटर में इतना TDS है।
ना बड़े बड़े मशीन वगैरह यूज नहीं होती हैं, जैसे हम लोगों की लैब में पड़ी है टीडीएस को निकालने के लिए, वो अभी उनका अब वो तो ऑब्सलीट होने जा रही है बिल्कुल। अब टीडीएस मीटर इस तरीके के आ गए हैं, पोर्टेबल है, बिल्कुल पेन की तरह होते हैं, पानी में डिप करो। ठीक है, शायद किसी का माइक ऑन हो गया। ओके सर, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जो वाटर की एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने, कंडक्ट मतलब वही कनेक्टिविटी जो मैंने बताया था, इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। कितनी आयनिक स्ट्रेंथ है वाटर में, उसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस से निकालते हो। ठीक है, व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैसे करंट पास होता है क्या होता है। ठीक है, तो द मेजर सोर्सेज ऑफ टीडीएस इन वाटर आर कौन कौन से होते हैं? मेजर सोर्सेज डिजॉल्व सॉलिड्स के मेजर सोर्स होते हैं NaCl2, Hg2+, HCO3 है ना, हाइड्रोकार्बन, SO4, क्लोरीन, Cl। वेयर एज माइनर सोर्सेज आर Fe, SrK और NO3। ठीक है, तो इस तरीके के ये आपके मेजर और माइनर सोर्स हैं टीडीएस के। तो बेसिकली ज्यादातर आपके सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपके ज्यादातर मेजर सोर्सेज यही रहते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे समुद्र का पानी लेंगे तो उसमें बोलते हैं ना नमकीन पानी है, बहुत ज्यादा नमक है उसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, वो डिजोल्व सॉलिड्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे टीडीएस क्या है। ठीक है, एल्किनिटी मैं ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहूंगा, एल्किनिटी आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, 9, 10 सब, 11, 12 सब में जितनी भी केमिस्ट्री रही होगी सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर, ये वो क्वांटिटी आयंस की दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस। तो एल्किनिटी क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस को हम न्यूट्रलाइज करते हैं उसको आप बोलते हैं एल्किनिटी। इट मीन्स इट इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड। जितना एसिड है आपके वाटर में, अगर आप उसमें उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो कितना वाटर आपका लगेगा वो एल्किनिटी होता है। ठीक है, आपका तो मेजर कंपोनेंट्स किसकी वजह से होती है एल्किनिटी? कार्बोनेट आयन्स, बाइकार्बोनेट आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव एंड OH कार्बोनिक एल्किनिटी, इसको बोलते हैं कार्बोनेट एल्किनिटी। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, CO3 इज कार्बोनेट एल्किनिटी, HCO3 इज बाइकार्बोनेट एल्किनिटी और OH होती है कॉस्टिक एल्किनिटी। इन चीजों की वजह से एल्किनिटी आती है वाटर। मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? HSiO3, H2SO3, HPO4, HS। ठीक है, ये सारे सॉरी माइनर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कॉस्टिक एल्किनिटी, इनकी वजह से होती है। तो आई थिंक आई शुड स्किप दीज पार्ट, एल्किनिटी के रिएक्शंस वगैरह हैं, कैसे कार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट, मतलब हमारे सिलेबस से नहीं है ये, बट बेसिक आपको ये पता होने चाहिए, है ना, क्या क्योंकि हम लोग कभी भी एल्किनिटी निकालेंगे तो ये रिएक्शंस आप लोगों को आने चाहिए। तो ये सारे कुछ है। ठीक है, कंबाइन, ये सब मेरे ख्याल से आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे कैटायंस कंबाइन होते हैं एल्किनिटी और ये सब निकालने के लिए। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है नीचे, पीएच ऑफ वाटर जैसे एल्किनिटी था वैसी एसिडिटी भी होता है, इसी का जैसे सपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, आपको जैसे इसमें लिखा था एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड, उसमें होता है टू न्यूट्रलाइज एल्किनिटी। तो जैसे जैसे आप उसको न्यूट्रलाइज करते हो तो आपका एसिडिटी निकल आता है। ठीक है, तो एल्किनिटी और एसिडिटी दोनों के टेस्ट आप लोगों ने किए होंगे फर्स्ट ईयर में। इनफैक्ट हम लोगों की जब लैब होगी ना तो ये दो टेस्ट हैं हम लोगों के, एल्किनिटी और एसिडिटी के टेस्ट हम लोगों के, जो टाइट्रेशन मेथड से हम लोग करते हैं वो करने हैं हम लोगों को परफॉर्म। पीएच अगेन वो फैक्टर है जो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, इट इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन्स कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच आपको क्या बताता है, OH आयन कंसेंट्रेशन बताता है। तो पीएच का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, माइनस लॉग टू द पावर सॉरी माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, एच पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप एक पीएच पोटेंशियोमीटर से आप निकाल सकते हो, और भाई कलर मैचिंग इंडिकेटर्स, ये आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में क्या होगा कि हम लोगों क्या लिटमस पेपर बोलते थे उसको, हाँ लिटमस पेपर को डिप करते थे पानी में, फिर कलर को मैच करते थे कि इसका पीएच कितना है। ठीक है, वो एक मेथड होती थी, बट वो पुरानी मेथड हो गई, अब तो सीधे मीटर आता है, आप उसमें प्रोब होती है उसको आप वाटर में डिप कीजिए, आपको सीधे वो मीटर में रीडिंग बता देता है कि इसका पीएच कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, और इंडिकेटर्स यूज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्लीन रेड, ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं।
बेसिक इंडिकेटर और ये एसिडिक इंडिकेटर है, ये पीएच वगैरह निकालने की काम आता है। तो आपको बेसिकली ज्यादा मैं बताना है क्या बताऊँ उसमें, आप लोगों को पता ही होगा जो 7 होता है पीएच, वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो पीएच आता है वो क्या होता है एसिडिक साइड में होता है, 7 से ऊपर जो जाते हैं वो क्या होते हैं अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये जरूर आप लोग नोट कर लें कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसेबल पीएच इज 7 to 8.5। तो कभी भी आपसे पूछेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर में परमिसेबल कितना है पीएच, तो कितना होता है 7 to 8.5 होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा एल्कलाइन साइड पे होता है, हम लोग एसिडिक नहीं पीते हैं। ठीक है, पानी को, और 7 तो हम बिल्कुल नहीं पीते, कभी भी डिस्टिल वाटर हम पीते नहीं है, तो इससे ऊपर ही रहता है। बट इट शुड नॉट बी लेस देन 6.5, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9.2। किसी भी हालत में 6.5 और 9.2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी कोई यूनिट नहीं होती पीएच की, बताने वाली बात तो नहीं है, बट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 6.5 से नीचे का आप बिल्कुल नहीं पी सकते, 9.2 से ऊपर का नहीं पी सकते। जो लिमिट गिवन है आपको परमिसेबल है वो है 7 to 8.5, ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। तो 7 से लेके 8.5 पीएच के वाटर को आप पी सकते हैं, बट हम इंडिया वाले हैं, हम लोग 9 9 तक का पी लेते हैं एसिडिक भी पी लेते हैं, हम 6 तक का पी लेते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है हम लोगों के लिए, परमिट नहीं करता, बट क्या करें, कंडीशन इतनी खराब है वाटर की, है ना। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर तो बहुत बुरी हालत है, पीएच है, एल्किनिटी, एसिडिटी, ये सब कुछ मतलब बहुत बहुत आउट ऑफ परमिसेबल लिमिट्स है, तो वहां तो वाटर की बहुत किल्लत है। ठीक है, उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका हार्डनेस। हार्डनेस तो आप लोगों ने मतलब बहुत क्लियरली पढ़ा होगा, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। किसकी वजह से होती है, मल्टीवेलेंट कैटायंस में कॉज ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe, Mn, ठीक है, बट मोस्टली कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो ये कैसे होता है, हार्डनेस आपकी दो तरीके की होती है, आपने पढ़ी होगी टेम्परेरी ये परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी को आप बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं परमानेंट वाले को। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। टेम्परेरी परमानेंट होती है आपकी Cl SO4 NO3, है ना, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये होती है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये होती है Cl SO4 NO3 नाइट्रोक्स वगैरह की वजह से होती है, कितना ऑफ सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस कैसे आप रिमूव कर सकते हो, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस करने के लिए आपको फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस यूज करनी पड़ती है ना, आयन एक्सचेंज मेथड है और आपका आरओ मेथड है, इन सब से आप लोग परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। तो बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं इसको, अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं इस चीज को, है ना, ये जनरल चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, बट ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है हार्डनेस वगैरह सब कुछ, है ना, इसमें वाटर क्वालिटी में। अगर आप देखोगे, अगर आपको जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है ना, प्लेन्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर बहुत ही हार्ड वाटर मिलता है आपको, हार्डनेस जो जिसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ का आप देखोगे चमंड वगैरह का पानी पीते हो, आप डायरेक्टली पी लेते हो, यहाँ पर हार्डनेस उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग चेक करते हो वाटर की क्वालिटी कैसी। फिर ये बताया हुआ फोम और लेदर की वजह से होता है फॉर्मेशन, हार्ड वाटर में नहीं बनता है, ऐसे ऐसे वो सब आपने पढ़ा हुआ है। ये जो मैं बताना चाह रहा था, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाई बॉइलिंग और एडिंग लाइम, वेर इज परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाई लाइम, कैन बी रिमूव बाई लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा मेथड से आप परमानेंट हार्डनेस और जोलाइट मेथड से हटा सकते हो, लेकिन टेम्परेरी अगर हार्डनेस है तो आप बॉइलिंग या फिर लाइम को ऐड करके, हम लोग कभी कभी आपने सुना होगा ना कि आप कहते हो कि चूने वाला पानी आ रहा है सप्लाई में, सुना है ये टर्म, व्हाइट व्हाइट सा पानी, तो वो डालते हैं ताकि उसकी हार्डनेस को, टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकें, तो लाइम ऐड किया जाता है कभी, है ना, ये टर्म बहुत सुना होगा ना कि चूने वाला पानी आ रहा है व्हाइट कलर का, हल्का हल्का, तो वो लाइम इसलिए ऐड किया जाता था कि वो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सके उस, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस तो डायरेक्टली नहीं रिमूव कर सकते, आपको फिर ये लाइम सोडा मेथड और जियोलाइट मेथड का यूज करना पड़ेगा। हार्डनेस किसमें एक्सप्रेस होती है, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, इनमें से कुछ भी है, मल्टीवेलेंट कैटायंस की वजह से हो सकती है, इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं CaCO3 ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर में हार्डनेस अगर निकालनी है तो आपको कौन कौन सी मेथड्स हैं, वार्सनेट मेथड, ETA मेथड, ये लोग सबसे कॉमन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। फिर क्लार्क्स मेथड आती है, हैनर्स मेथड आती है, तो ये सारी मेथड है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रखिए, मैं इन मेथड में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा लैब में टेस्ट करने का तो EDTA मेथड हम लोग वहाँ पर करके देखेंगे, हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए, बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं।
कंपैरिजन कर रखा है मैंने एल्किनिटी और हार्डनेस के बीच में जो भी है. लेट्स नॉट गो इनटू दिस. ये थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्या क्या लिखा हुआ. 0.5 mg/L तक का है तो वाटर सॉफ्ट वाटर कहलाया जाता है. इसी तरीके से रेंज की बने 200 से 500 हो तो वेरी हार्ड वाटर कहलाया जाता है. ठीक है, हार्डनेस इस तरीके इस स्केल पे देखी जाती है. ये जरूर नोट कर लें आप. फॉर ड्रिंकिंग वाटर द डिजायरेबल हार्डनेस इज 75 to 115 ppm. ppm या फिर mg/L सेम है. इफ लेस देन 200 ppm देन इट विल नॉट इट विल बी नो इफेक्ट ऑन, मतलब किसी भी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर ये 200 ppm से नीचे या 200 mg/L से नीचे है हार्डनेस तो कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर ज्यादा है हार्डनेस तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको ट्रीट करना पड़ेगा. सो रेंज तो पर्टिकुलरली ये है 75 to 115 ppm, बट आप कितना रख सकते हो 200 ppm तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट 200 ppm से ऊपर नहीं होनी चाहिए हार्डनेस. ठीक है, ये जरूर नोट कर लेना. फिर आपका आ रहा है क्लोराइड. ठीक है, क्लोराइड और अमोनिया वगैरह. चलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लोराइड और क्या है. थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से आपको इसको और बताऊंगा, थोड़ा क्लियर है ना. मतलब ये बहुत जल्दीबाजी में इसको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके आगे जा के टेस्टिंग में भी काम आएंगे, है ना. अमोनिया वगैरह, फिर अमोनिया क्या होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह में और वाइवा वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो थोड़ा बहुत बच गया है केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ये वाले सिलेबस आई मीन ये वाले टॉपिक को इतना रखते हैं आज. ठीक है, सो स्टॉप प्रेजेंट. ओके, सो ये जो है अभी हमने फिजिकल पैरामीटर्स देखे और कुछ केमिकल पैरामीटर्स देखे. कुछ केमिकल पैरामीटर्स और बचे हुए हैं हम लोगों के, और क्या बचा हुआ है हम लोगों को, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उसका जो पार्ट सेकेंड होगा वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में जाएंगे, बिकॉज ये टर्म्स जब आपको पता होंगे ना कि वाटर में किस किस तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, तो ही आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे. ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट आपको पता तो होना चाहिए कि हम लोगों को ट्रीट क्या करना है. अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके पानी में पीएच है, तो आपको ये जब पता ही नहीं होगा कि कितना पीएच परमिसेबल है, तो आप ट्रीट क्या करोगे. मैं कहूँगा कि आपको वाटर ट्रीट करना है और आपको पता नहीं कि हार्डनेस की लिमिट क्या है, तो आप ट्रीट कैसे करोगे. आपको पता तो होना चाहिए ना, मुझे इतनी हार्डनेस है, मुझे इस लेवल पर लानी है, इतना डिक्रीज करना है, तभी तो ट्रीटमेंट दोगे आपको आप उस हिसाब से, है ना. तो इसलिए मैंने ये यूनिट आज ये वाला टॉपिक कवर करने की सोची, बिकॉज आप लोगों को एटलीस्ट आपको पैरामीटर्स पता हो, ये टर्म्स पता हो, आपने उनकी यूनिट्स पता हो और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसको निकालने के लिए, ये सारे पैरामीटर्स निकालने के लिए, एटलीस्ट उनके नाम आप लोगों को पता हो. ठीक है, इसलिए मैंने ये कवर किया है आपको. बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो ये मेरे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैरामीटर्स पता होंगे तो ही आप आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी इसमें, है ना. जिसने नहीं किया वो भी मार्क कर सकता है. मैं अगले 5 मिनट्स के लिए रूम को इसको क्लास को ऑन रखूंगा, तो आप लोग जिसकी नहीं लगी प्रेजेंट वो लग सकता है, जिसकी लग गई है वो देखें नहीं. ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू, यू आर वेलकम. Thank you, sir. Thank you.